हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है, ये साइंस की अब तक की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। नाम से लगता है पर स्पेस कोई खाली जगह बिल्कुल नहीं है, स्पेस अपने आप में कुछ तो है। स्पेस के अंदर एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर और एक जंगल मौजूद है। स्पेस असल में एक बदलने वाला अत्यधिक सक्रिय माध्यम है, एक ऐसा जंगल जो यूनिवर्स में हर चीज को जोड़ता है। वो जीवन के चक्र में बहुत सक्रिय है, वो हमारी रियलिटी को बनाता है और शुरुआत से पूरे स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ता है। उसे कहते हैं स्पेस टाइम। वो सब कुछ है, स्पेस टाइम ही असल में यूनिवर्स को बनाता है। स्पेस टाइम से यूनिवर्स काम करता है, लेकिन वो है क्या? वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे कंट्रोल करता है? विज्ञान शो पेश करता है मिस्ट्री ऑफ स्पेस टाइम। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, पर बिना स्पेस टाइम के हम यहां नहीं होते। स्पेस टाइम हमारी रियलिटी का फैब्रिक है, हमारी जिंदगी को बनाता और कंट्रोल करता है। अगर हमें यूनिवर्स की स्टोरी को समझना है तो ये समझना जरूरी है कि स्पेस टाइम कैसे बिहेव करता है। स्पेस टाइम हर चीज की शुरुआत से सक्रिय है और हर चीज के एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। यूनिवर्स की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें स्पेस टाइम को समझना होगा, ये समझने के लिए कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और फ्यूचर में क्या होने वाला है। स्पेस टाइम की कहानी हमारे यूनिवर्स की कहानी है। इस कहानी में क्या हुआ, इसका अंत कैसे होगा, ये जानने के लिए हमें इसे शुरू से समझना पड़ेगा, उस वक्त से जब कुछ भी नहीं था, न तारे न स्पेस, वक्त से भी पहले का वक्त। फिर अचानक बिग बैंग से पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ। वो एक क्षण भर से शुरू हुआ और हमारा यूनिवर्स अचानक बन गया। बिग बैंग की परिभाषा ही यही है कि स्पेस और टाइम उस क्षण में एक साथ ही बने थे। जहां तक हम जानते हैं इनका जन्म एक साथ हुआ था, स्पेस और टाइम का। नवजात यूनिवर्स स्पेस टाइम में ऊर्जा का एक छोटा केंद्र अचानक अस्तित्व में आ गया। फिर यूनिवर्स अचानक फैलने लगा। जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तब वो बहुत छोटा रीजन था और एक सेकंड से भी कम वक्त में फैला, वो भी कई 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 गुना ज्यादा, जैसे कि अचानक मैं एक गैलेक्सी के साइज का हो जाऊं। एक सेकंड से भी कम वक्त में यूनिवर्स एक एटम से कम साइज से एक बेसबॉल के साइज जितना बड़ा हो गया। कॉस्मिक शब्दों में वो रेत के एक दाने से लेकर ब्रह्मांड के आकार जितना बड़ा हो गया। उस इन्फ्लेशन के समय ये यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज गति से फैला था। फिजिक्स में हम जो कुछ भी जानते हैं ये उस सब के खिलाफ था। अब आप सोच रहे होंगे, हे मिस्टर एस्ट्रोनॉमी गाय, स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। असल में ये एक काफी हद तक सही है, लेकिन रूल ये है कि यूनिवर्स के थ्रू कुछ भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकता। इन्फ्लेशन में तब स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा था, तो कोई नियम नहीं तोड़ा गया, कोई पैराडॉक्स नहीं बना। तेजी से फैलते हुए यूनिवर्स आश्चर्यजनक रूप से बड़ा होने लगा। बिग बैंग के वक्त स्पेस टाइम एक ऐसी एंटिटी थी जो हर दिशा में बढ़ रही थी, तब स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा था। लेकिन यूनिवर्स बराबर नहीं फैल रहा था। यूनिवर्स में एक पॉइंट थोड़ा ज्यादा डेंस था अपने ठीक बगल के एक पॉइंट के मुकाबले, और ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम था, 1/1,000,000, और उतना भी काफी था। फ्लक्चुएशंस और एक्सपैंड होते स्पेस टाइम से हाई डेंसिटी वाले हिस्से बन गए।
इन्फ्लेशन से ये हाई डेंसिटी रीजन्स बड़े बन गए और इससे हमारे यूनिवर्स ने आकार लिया। जब हमारे यूनिवर्स के कुछ हिस्से बाकियों की तरह इन्फ्लेट नहीं हुए, तब अचानक चीजें जैसे एक साथ आने लगी। जब यूनिवर्स ठंडा हुआ, एनर्जी मैटर में बदल गई और डेंस रीजन्स में मैटर साथ जुड़ना शुरू हो गया। इन रीजन्स में बाकियों के मुकाबले ज्यादा मास था। मास स्पेस टाइम को बेंड करता है, तो जो भी चीज मैटर की बनी है वो स्पेस टाइम को बेंड करती है, और एक जगह जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा बेंड होगा। मैं अभी स्पेस टाइम को बेंड कर रहा हूँ। जब फ्लेक्स करता हूँ तब उसे और भी बेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी मसल डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैं मैक्सिमम बेंड नहीं कर सकता क्योंकि फिर अर्थ और सोलर सिस्टम नहीं बचेंगे, और ये एक फैक्ट है, ये वाकई में है। अगर मेरे पास ऐसे ग्लासेस होते जिनसे मैं स्पेस टाइम में देख पाता, तो अचानक एक कर्व्ड यूनिवर्स के छुपे हुए पहलू मुझे उतने साफ दिखाई देते जितने मुझे अपने हाथ दिखते हैं। हम स्पेस टाइम के कर्व्ड ग्रिड और उसे अपने अंदर की चीजों से रिएक्ट होते हुए देखते। स्पेस टाइम का कर्व हमारे लिए एक जाना पहचाना फोर्स होता, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी सभी फोर्सेस से बहुत अलग है, वो स्पेस टाइम के कर्वेचर से करीब से जुड़ी हुई है। स्पेस और टाइम को जो बेंड कर सकता है उसमें ग्रेविटी होती है, इसलिए ग्रेविटी ही स्पेस और टाइम को बेंड कर रही है। ये सोच पाना मुश्किल है, लेकिन इसका एक अच्छा उदाहरण है एक ट्रेपीज आर्टिस्ट और उसका सेफ्टी नेट। आप सोचिए, एक ट्रेपीज आर्टिस्ट जानबूझ के नेट पर गिर रहा हो, वो नेट फ्लैट है और एक बढ़िया स्पेस ग्रिड की तरह लगता है, पर जब वो उस पर गिरता है तो उसका शेप बदल देता है। ऐसा ही स्पेस के साथ, अगर स्पेस में मैटर है तो उसका फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। जब ट्रेपीज आर्टिस्ट नेट पर रेस्ट करते हैं तब वो स्पेस टाइम ग्रिड को हल्का सा बेंड करते हैं। अगर दो ट्रेपीज आर्टिस्ट होंगे तो मास डबल होगा, वॉल्यूम लगभग उतना ही होगा, और तब डिस्टॉर्शन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। स्पेस टाइम ऐसे ही काम करता है। ज्यादा मास मतलब स्पेस टाइम में बड़ा कर्व, मतलब ज्यादा ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी और स्पेस टाइम के स्वभाव को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये आइडिया सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक ने डेवलप किया था। आइंस्टाइन का आइडिया था कि स्पेस टाइम एक ऐसी चीज है जो बेंड हो सकती है, जिसे खींचा जा सकता है, और हम सभी स्पेस टाइम से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन का कहना था कि स्पेस और टाइम की एक ज्योमेट्री होती है, वो खुद जीवित हैं, उनके अपने डायनामिक्स हैं। उन डायनामिक्स को हमने ग्रेविटी का नाम दिया है। मैटर जहां पर ज्यादा डेंस होता है, ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती है। यही हमारे भौतिक अस्तित्व की बुनियाद है। मैटर एनर्जी और स्पेस टाइम के बीच जो इंट्रैक्शन हुआ उससे यूनिवर्स बना जो आज हम देख पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे पूरी तरह समझते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और ये हमें परेशान भी करता है। फिजिक्स के नियमों से हम समझ सकते हैं कि स्पेस टाइम बिहेव कैसे करता है, पर वो कुछ ऐसा है जो फैलता है और सिकुड़ता है, और ग्रेविटी स्पेस टाइम का ही हिस्सा है। बिग बैंग में बने स्पेस टाइम और एनर्जी ने मिलकर हमारे यूनिवर्स को बसाया। ये बेसिक मटेरियल्स फाउंडेशन थे, लेकिन इनसे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे बन गए जो आज हम देखते हैं? स्पेस टाइम ने हमारे कॉस्मोस को कैसे बनाया? जब हम अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और गैलेक्सीज को देखते हैं तो सोचते हैं ये सब आखिर आया कहां से है। यूनिवर्स में मैटर एक बड़े कॉस्मिक वेव में खुद को अरेंज कर देता है। गैलेक्सीज और गैलेक्सीज क्लस्टर्स, सीड्स और फिलामेंट्स पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है इस वेब को किसी कॉस्मिक आर्किटेक्ट ने बनाया हो। वो स्पेस टाइम है, उसने हर चीज को बनाया। प्लैनेट से लेकर गैलेक्सीज, एटम से लेकर शहरों तक। यूनिवर्स स्पेस टाइम से बना है। ये चीज जो भी है, टाइम और स्पेस इसमें एक साथ जुड़े हैं और एक्सपेंड हो रहे हैं और हमारे यूनिवर्स को बना रहे हैं।
वही सब कुछ है। स्पेस टाइम ही हमारा यूनिवर्स है। इस कॉन्सेप्ट को समझना जितना मुश्किल है, सोच पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स को लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स में देखा। ये है सन, इनविजिबल लाइट, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट। सोचिए, अगर हम ये स्पेस टाइम स्पेक्ट्रम में देख पाते, तब चीजों के मूव होने पर हम स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते। स्पेस टाइम अपने आसपास की चीजों को बदल सकता है या चीजों को एक्सपैंड या अलग कर सकता है, पर स्पेस टाइम का शेप भी हमारे एक्सपीरियंस को तय करता है। सोचिए, आप अपनी कार में हैं, आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, तो अर्थ के सरफेस का शेप ये तय करता है कि आप उस पर कैसे चलेंगे। ठीक उसी तरह स्पेस टाइम की बनावट ये तय करती है कि लाइट और मैटर स्पेस टाइम के थ्रू किस तरह से गुजरते हैं। रूल्स सिंपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मैस है, स्पेस टाइम में कर्व बनाता है। स्पेस टाइम के कर्व्स के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट मूव होता है। मैटर स्पेस टाइम के कर्व के हिसाब से आगे बढ़ता है और इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। इसका मतलब है ग्रेविटी और स्पेस टाइम का शेप मिलकर मैटर को एक साथ जोड़ता है और इसी तरह से कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन शुरुआत में स्पेस टाइम आज के मुकाबले बिल्कुल अलग था और पहले मैटर ने स्पेस टाइम के शेप को बदलना शुरू किया। हमारा पूरा यूनिवर्स करीब 14 अरब साल पहले बिग बैंग में बना था। कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। लेकिन आज का यूनिवर्स मैटर का एक बहुत कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है। तो ये जो स्पेस है, इसमें इस स्पेस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मैटर है। जहां कहीं भी मास थोड़ा ज्यादा होता है, वहां स्पेस थोड़ा ज्यादा बेंट हो जाता है। अगर आप स्पेस को थोड़ा और बेंड करते हैं तो वहां और मास इकट्ठा हो जाता है। शुरुआती यूनिवर्स में मैटर के डेंस रीजन्स ने स्पेस टाइम में और भी गहरे कर्व्स बनाए और जैसे जैसे मास बड़ा होता गया, उस कर्व में और चीजें आने लगी, वो और गहरा होता चला गया और फिर कई चीजें आने लगी और ये प्रोसेस रिपीट होता गया। ग्रेविटी बढ़ गई और ज्यादा मैटर को खींचने लगी। मैटर बहुत ज्यादा डेंस होता गया और ऐसे करते करते एक स्टार बन गया, फिर कुछ स्टार्स बने और फिर एक गैलेक्सी बन गई। वो स्टार्स बड़े हुए और बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लगे, फिर उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया, वो एक्सप्लोड हो गए और सभी भारी एलिमेंट्स बन गए और फिर वक्त के साथ कई चीजें बन गई, जैसे कि प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर, वो सारी ही चीजें जो आज हम और आप देखते हैं। इस सब की शुरुआत हुई बढ़ते हुए स्पेस टाइम में एनर्जी फ्लक्चुएशन से। शुरुआत में ये बहुत छोटे फ्लक्चुएशंस थे जो बड़े स्ट्रक्चर बन गए जिन्हें आज हम देखते हैं। और आपको बता दूं कि अरबों सालों तक वो मैटर मिलकर गैलेक्सीज बना, स्टार्स बना, प्लैनेट्स बना और आप भी। स्पेस टाइम के फ्लक्चुएशंस और एक्सपेंशन से यूनिवर्स का पैटर्न बना। स्पेस टाइम ने हर उस चीज के एवोल्यूशन को कंट्रोल किया जिसे आज हम देखते हैं। अगर स्पेस टाइम मास को एक साथ नहीं ला पाता तो आज हम सभी बस हाइड्रोजन गैस की एक पतली सी परत होते, तब यूनिवर्स नहीं होता। अगर स्पेस टाइम अपने अंदर के मैटर से कर्व नहीं हो पाता तो यूनिवर्स एक बहुत अजीब जगह होते, तब ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती, चीजों को एक साथ जोड़ने का कोई तरीका नहीं होता। ग्रेविटी का ना होना मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स और लोगों का कोई अस्तित्व ना होता। हमारा अस्तित्व स्पेस टाइम की देन है, लेकिन वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पा रहे। काश मुझे पता होता स्पेस टाइम क्या है। हमें उसके बारे में कुछ चीजें पता है, पर इसके साथ ही साथ हमें स्पेस टाइम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक विचित्र ऑप्टिकल फिनोमेनन देखा, रोशनी का एक अजीब सर्कल जैसे एक कॉस्मिक हेलो।
अगर आपकी आंखें एक टेलीस्कोप जितनी सेंसिटिव होती तो आपको भी यही नजर आता। वो सच में है, वो कुछ ऐसा नहीं है जो हमने इमेजेस एडजस्ट करके बनाया है, वो कुछ ऐसा है जो स्पेस और टाइम को बेंड करके एक लेंस बना रहा है। वो है एक रेड गैलेक्सी जो पृथ्वी से करीब 7 अरब लाइट ईयर्स दूर है। वो एक ब्लू गैलेक्सी से लाइट को बेंड कर रही है जो उसके पीछे छिपी हुई है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक शानदार फेनोमेनन है क्योंकि आइंस्टाइन ने जो बताया ये उसे साफ दर्शाता है कि स्पेस कर्व्ड है और स्पेस लेंस की तरह काम करता है, बिल्कुल मेरे चश्मे के लेंस की तरह। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो वो सब नजर आता है जो कमाल का है। आगे की गैलेक्सी का मास स्पेस टाइम में कर्व्स बनाता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। लाइट उन कर्व्स को फॉलो करती है और ग्रेविटी के आसपास बेंड हो जाती है। बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे गैलेक्सीज के क्लस्टर्स स्पेस टाइम में लाइट का पाथ बेंड कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कांच का एक टुकड़ा लाइट को बेंड कर सकता है। तो जब लाइट एक गैलेक्सी क्लस्टर से पास होती है और हम दूर की गैलेक्सी को देखते हैं तब उस गैलेक्सी की हमें कई इमेजेस दिखाई पड़ती हैं। हमें सर्कल्स नजर आते हैं जैसे गैलेक्सीज क्लस्टर कांच का बना हो। तो हम स्पेस टाइम में होने वाले बेंड्स को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। ये बेंड ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करता है। छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारे मार्शल आर्टिस्ट स्पेस टाइम को हल्का सा बेंड करते हैं और एक शैलो कट बनाते हैं। एक प्लैनेट बहुत गहरा कर्व बनाता है और स्टार उससे भी गहरा। पर अगर कोई चीज ग्रेविटी से भी डेंस और मैसिव हो वो स्पेस टाइम पर क्या असर डालेगी? हम जानते हैं कि मास एनर्जी डेंसिटी से स्पेस टाइम में कर्वेचर बनता है। जितना ज्यादा मास जितनी एनर्जी जितनी डेंसिटी, कर्वेचर उतना ही बड़ा बनेगा और कभी कभी वो कर्वेचर इतना स्ट्रांग होता है कि खुद स्पेस ही उससे बदल जाता है। अब एक ब्लैक होल यही करता है, वो स्पेस टाइम में एक गहरे कुएं जैसा है। वो स्पेस और टाइम में बस एक कर्व जैसा नहीं होता, वो एक खाई जैसा होता है और ब्लैक होल में जो कुछ भी गिरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल्स इतने विशाल और डेंस होते हैं कि वो स्पेस टाइम को एक अंतहीन गहरे कुएं में बदल देते हैं। यहाँ तक कि इस गहरे स्पेस टाइम कुएं में गिरने वाला प्रकाश भी नहीं बच सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल काले दिखते हैं। यदि आप पूरी तरह उसमें गिर गए हैं तो ब्लैक होल के तल में क्या मिलेगा? जवाब यही है कि हमें नहीं पता है। जब हम समझ जाएंगे कि ब्लैक होल कैसे काम करता है तो हम ये समझने के एकदम करीब होंगे कि स्पेस टाइम कैसे काम करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें प्रकाश पर स्पेस टाइम के प्रभावों को देखने का एक तरीका देता है, लेकिन ये स्पेस टाइम का केवल एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। क्या पृथ्वी पर स्पेस टाइम का अनुभव करने का एक और तरीका हो सकता है? अंतरिक्ष में होने वाली हर चीज को देखा नहीं जा सकता, कभी कभी आपको इसे सुनना भी पड़ता है। आप माने या ना माने स्पेस एक मटेरियल है, इस आयरन शीट की तरह और इस लोहे की ही तरह अंतरिक्ष डिस्टॉर्ट हो सकता है। अगर मैं इस मेटल शीट पर बहुत भारी वजन डालूं तो उसका आकार बदल जाएगा और ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष वेव्स कैरी कर सकता है और ये आयरन शीट भी ऐसा कर सकती है, लेकिन इस शीट को लहरदार बनाने के लिए कुछ शक्तिशाली चाहिए जैसे कि मैं और मेरा हथौड़ा। आप इन वेव्स को शीट से गुजरते हुए देख सकते हैं। वेव्स ठीक इसी तरह अंतरिक्ष से गुजरती है और हम इन्हें कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स कॉस्मिक इवेंट्स के वाइब्रेशंस हैं जो स्पेस टाइम के मटेरियल के जरिए ट्रांसमिट होते हैं। अंतरिक्ष में वेव्स शुरू करने के लिए आपको ब्रह्मांड में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली घटनाओं की आवश्यकता है, जैसे दो ब्लैक होल्स के टकराने जैसा कुछ। जब दो ब्लैक होल्स टकराते हैं तो उससे निकली एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में स्पेस टाइम के माध्यम से शॉक वेव भेजती है।
जब तक वो पृथ्वी पर पहुंचती है तब तक वो इतनी छोटी होती है कि उन्हें मेजर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन 2015 में LIGO ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने स्पेस टाइम में कुछ हलचल डिटेक्ट की, ग्रेविटेशनल वेव्स। अफवाहें उड़ने लगी, लेकिन कुछ समय बाद ये साफ हो गया कि ये पृथ्वी पर मैन मेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स का पहला डायरेक्ट डिटेक्शन था। जब हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज की तो हम लोग सिग्नल्स का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों को इस पर भरोसा नहीं था। मैं इतना डाउट में था कि मैं ये मान बैठा था कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ये नकली हो सकता है। जब मैंने ये डेटा देखा तब उसका मुझ पर जो इमोशनल इम्पैक्ट हुआ उसकी तुलना सिर्फ तभी से की जा सकती है जब मैंने अपनी बेटी के जन्म के बाद पहली बार उसका चेहरा देखा था। तो ये उस तरह का इमोशनल इम्पैक्ट था। हमने इतने लंबे समय तक सिर्फ एक पल के लिए इतनी मेहनत की थी, वो कमाल का था। हम वास्तव में पृथ्वी पर इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सुन सकते हैं। जो चीज इसे अद्भुत बनाती है वो एक कोइंसिडेंस है, और एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि LIGO जिन संकेतों को मापता है वो उसी फ्रीक्वेंसी बैंड में होते हैं जो साउंड्स हम अपने कानों से सुन सकते हैं। जैसे ही दो ब्लैक होल्स करीब आते हैं और टकराते हैं, हम लहरों की फ्रीक्वेंसी को बदलते हुए सुन सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी का साउंड कुछ ऐसा होता है। वो आवाज जो हम सुन रहे थे वो दो ब्लैक होल थे जो एक दूसरे का चक्कर काट रहे थे और फिर बुप एक साथ आ रहे थे। बस इतना ही था। स्पेस टाइम में तरंगों को सुनने से हमें ब्रह्मांड की जांच करने के लिए एक नया शक्तिशाली उपकरण मिला है। अब हम पहली बार गुरुत्वाकर्षण में चीजें सुन रहे हैं और ये ब्रह्मांड पर कभी भी लागू नहीं हो पाए हैं, और अब हम सीख रहे हैं कि वहां क्या है। हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सुनने में सक्षम थे क्योंकि जिस घटना ने उन्हें बनाया वो बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कि उससे निकली तरंगे अरबों प्रकाश वर्ष दूर LIGO की दो फैसिलिटीज द्वारा डिटेक्ट की गई। लेकिन छोटी गुरुत्वाकर्षण तरंगे हर समय ब्रह्मांड में मूव करती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे पूरे आकाश में लगातार हमारे बीच से गुजर रही हैं। मैं अभी भी गुरुत्वाकर्षण तरंगों से प्रभावित हो रहा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे खींचा जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है जब मैं अभी बात कर रहा हूँ। स्पेस टाइम में अधिकांश छोटी तरंगों का पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड को देखने की ये नई वेव स्पेस टाइम की हमारी समझ को बदल रही है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल वेव्स का ऑब्जर्वेशन पिछले 100 सालों में किसी भी व्यक्ति द्वारा एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ी खोजों में से एक है। ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी का महत्व अब और भी बड़ा है। गैलीलियो ने कुछ नया देखने के लिए अपनी दूरबीन को तारों की ओर घुमाया था, और अब हमारे पास ब्रह्मांड को देखने का एक नया जरिया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ग्रेविटेशनल वेव से हम ग्रेविटी और स्पेस के उलझे रिश्ते को समझ सकते हैं। लेकिन स्पेस टाइम के बाकी हिस्से यानी वक्त का क्या? जैसा कि हम जानते हैं ये स्पेस टाइम है। ग्रेविटी ना सिर्फ स्पेस को बल्कि वो टाइम को भी डिस्टॉर्ट करती है। हम समझते हैं कि समय को बदला नहीं जा सकता, ये बस एक कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ता है, लेकिन ये वो ब्रह्मांड नहीं है जिसमें हम खुद को पाते हैं। कुछ अजीब हालात में मेरा वक्त आपके हिसाब से रुक जाएगा। क्या टाइम ट्रेवल करना और फ्यूचर में जाना मुमकिन है? साइफाई फैंस के लिए अंतरिक्ष अंतिम सीमा है। वैज्ञानिकों के लिए समय को समझना बहुत बड़ी चुनौती है। हमने शुरू से समय को सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से माना, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि समय उससे भी ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है।
समय कुछ ऐसा नहीं है जो बीत जाता है। समय हमारे ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा है। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक का हिस्सा है। बिग बैंग स्पेस और टाइम की शुरुआत थी। उसके बाद से स्पेस बड़ा होता गया और टाइम आगे बढ़ता गया। ऐसा 13.8 अरब सालों से होता आ रहा है और इससे हमारा आज का यूनिवर्स बना। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं, वो दोनों एक ही चीज हैं। तो जब मैटर स्पेस टाइम को प्रभावित करता है तो केवल स्पेस में डिस्टॉर्शन नहीं लाता, वो टाइम के फ्लो को भी प्रभावित करता है। यहीं पर स्पेस टाइम बहुत दिलचस्प बन जाता है। ग्रेविटी जैसे स्पेस को बेंड करती है, वैसे ही टाइम के फ्लो को भी डिस्टॉर्ट करती है। हम इस तरह से वक्त को नहीं देखते, वक्त असल में इसी रेट से फ्लो होता है। बहुत भारी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को ही डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो ना केवल अंतरिक्ष डिस्टॉर्टेड है, बल्कि समय स्वयं धीमा या रुक भी सकता है। ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा होगा। किस में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है? ब्लैक होल में। स्पेस में एक ब्लैक होल के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से घड़ियां अजीब ढंग से चल सकती हैं, और ये इसे और भी दिलचस्प बनाता है। एक ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम बेंड और डिस्टॉर्ट हो जाता है और वक्त धीमा हो जाता है। वैज्ञानिक उसमें एक प्रोब भेजकर अपनी थ्योरी को सच साबित करना चाहते हैं। इस बारे में सोचने का एक तरीका है जिसका नाम है ट्विन पैराडॉक्स, जिसमें दो ट्विन सेम टाइम पर पैदा होते हैं तो उनकी एज सेम होती है, लेकिन उनमें से एक किसी ब्लैक होल के बहुत नजदीक जाकर कुछ देर रहता है और फिर वापस लौट आता है। अगर मेरा कोई जुड़वा भाई होता जो अर्थ पर रहता और मैं ब्लैक होल के पास जाता, लेकिन हम डेली वीडियो कॉल करते, तो मैं कुछ ऐसे बोलता, कैसे हो, और वो कुछ ऐसे बोलता, हम तो बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं, हमें याद आती है आप कब मिलेंगे। तो हम दोनों के लिए वक्त की रफ्तार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती। ब्लैक होल के जितना नजदीक होते हैं, वक्त उतना धीमा हो जाता है। अगर अर्थ पर वापस आने की जगह मैं गलती से ब्लैक होल में गिर जाऊं, तो अर्थ पर मौजूद मेरा ट्विन मुझे और स्लो होते हुए दिखेगा, और फिर मैं इवेंट होराइजन पर जैसे फ्रीज हो जाऊंगा, बिल्कुल ठहर जाऊंगा। वक्त यहां थम सा जाता है और मुझे एहसास होने लगेगा कि अब मैं वापस घर नहीं लौट पाऊंगा। लेकिन अगर वो ट्विन ब्लैक होल से बच जाता है तो फ्यूचर में चला जाएगा। ब्लैक होल में जो गया है उसके लिए बस कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते ही हुए होंगे, पर वो दूसरा ट्विन उतने समय में बूढ़ा हो गया होगा, उसके पोते पोती हो चुके होंगे, वो कई दशक जी चुका होगा। ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना बदल देता है कि साइंस फिक्शन फैंटेसी रियलिटी बन जाती है। टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन का एक जरूरी हिस्सा है, और हम जानते हैं अतीत में टाइम ट्रेवल करना हमारे यूनिवर्स में नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में टाइम ट्रेवल करना 100% पॉसिबल हो सकता है। टाइम ट्रेवल अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन स्पेस टाइम का हम पर एक वास्तविक असर पड़ता है। ये नियंत्रित करता है कि हम कैसे बूढ़े होते हैं। टाइम के अलग अलग रेट्स और फ्लो का आधार है ग्रेविटी। अगर आप एक अलग ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग टाइम के फ्लो का अनुभव होगा। जैसे जैसे मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ और अपने आप को पृथ्वी के मास से और दूर रखता हूँ, मेरी अपनी घड़ी थोड़ी तेज चलने लगती है। यदि आप सतह के करीब जाते हैं तो आपकी घड़ी उतनी ही धीमी चलने लगती है। हमारे पास इतनी सेंसिटिव घड़ियां हैं कि हम समय के इस अलग फ्लो को माप सकते हैं। इस प्रभाव को बढ़ाने से हम अपने सामने समय के फ्लो को बदलते हुए देखेंगे। जो लोग पृथ्वी के करीब होंगे वो धीमे दिखेंगे, जो ऊपर है उसका ऑपोजिट। इसका मतलब है कि रईस लोग अपने पेंट हाउस में जमीन पर मौजूद लोगों से जल्दी बूढ़े होते हैं। ये सच में एक चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट है, पर ये बिल्कुल सच है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रह के ऊपर के समय को भी नियंत्रित करता है,
12,500 मील ऊपर नेविगेशन सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण ग्लोबल पोजिशनिंग उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हम यहाँ पृथ्वी पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज करते हैं कहीं जाने के लिए। इन दिनों ज्यादातर लोग खो जाएंगे अगर उनके फोन में GPS ना हो, अगर उन्हें अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर से दूर जाना पड़े। आपके सेलफोन में GPS रिसीवर 4 उपग्रहों पर सिग्नल भेजता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप कहाँ हैं। इसकी टाइमिंग बेहतरीन होती है। हर एक सैटेलाइट पर एक एटॉमिक क्लॉक होती है। ऑर्बिट में कमजोर गुरुत्वाकर्षण का मतलब सैटेलाइट की घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों की तुलना में आंशिक रूप से तेज चलती हैं। अगर हमें पता नहीं होता कि हमारे उपग्रहों की घड़ियां अलग अलग गति से चलती हैं, तो पृथ्वी पर GPS सिस्टम काम नहीं करता। ये इतनी जल्दी अपनी एक्यूरेसी खो देगा कि पूरा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम 1 घंटे से भी कम समय में बेकार हो जाएगा। हम उसके लिए हर दिन के हर पल को सही करते हैं। हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब साल पहले शुरू हुआ और तब से एक्सपैंड हो रहा है। क्या ये एक्सपेंशन हमेशा होता रहेगा या हमारे यूनिवर्स का एक विध्वंसक अंत होगा? करीब 100 सालों से हम ये जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। हम विस्फोट होने वाले तारों के प्रकाश को मापकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। टाइप 1A सुपरनोवा सभी समान चमक के साथ विस्फोट करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक पृथ्वी से उनकी दूरी का सटीक रूप से पता लगा सकते हैं। दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस टाइम के विस्तार में इस प्रकाश को मापा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसमें मैटर है, उस मैटर में ग्रेविटी है और स्पेस टाइम के कर्वेचर को डिस्टॉर्ट कर रही है। ये समझ में आता है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, ब्रह्मांड के सभी पदार्थ एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रखेंगे। अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त मैटर है तो ये अपने आप को कितना खींच सकता है कि उसका विस्तार धीमा हो जाए। लेकिन 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने नए माप किए और एक सनसनीखेज खोज की। लोगों को उम्मीद थी कि ये विस्तार पहले से धीमा हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसके विपरीत पाया। अगर विस्तार धीमा हो रहा था तो ये दूर की रोशनी तेज दिखाई देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो मंद है। वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से दूर हो रही है। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, वो विस्तार तेजी से हो रहा है, ये हर दिन तेज हो रहा है। इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल दिया। ब्रह्मांड के पहले 7 अरब वर्षों में जिस दर से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था वो धीमी गति से हो रहा था, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। ऐसा लगा जैसे ग्रेविटी उल्टी हो गई हो। गैलेक्सीज को अट्रैक्ट करने की जगह लगा जैसे वो उन्हें अलग कर रही थी। क्या ग्रेविटी अपनी शक्ति खो रही थी या कुछ और स्पेस को अलग कर रहा था? हमारे यूनिवर्स में एक और चीज है, एक ऐसी चीज जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब है, एक रहस्यमय चीज जिसे कहते हैं डार्क एनर्जी। स्पेस टाइम की तरह डार्क एनर्जी हमारे चारों तरफ है। हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे ब्रह्मांड का 70% हिस्सा है। पर असल में वो है क्या? डार्क का मतलब ये हुआ कि हमें नहीं पता वो क्या है, हमें नहीं पता उसका आकार क्या है, पर कुछ तो है जो यूनिवर्स में एनर्जी दे रहा है, उसे एक्सेलरेट कर रहा है। हमें नहीं पता वो क्या है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं हम पता। उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आज के साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। डार्क एनर्जी रहस्यमय तरीके से बिहेव करती है। साधारण मैटर अट्रैक्टिव है, डार्क एनर्जी रिपल्सिव है, इसलिए ये तेजी ला रही है। साधारण मैटर ग्रेविटी फील करता है, एक साथ जुड़ती है, पर ये ऐसा नहीं करती। क्या ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी एक नई शक्ति है या गुरुत्वाकर्षण की तरह क्या वो स्पेस टाइम से ही आई है? डार्क एनर्जी शायद स्पेस टाइम का एक हिस्सा है। हो सकता है कि अंतरिक्ष में ही एक ऊर्जा हो और यही वो ऊर्जा है जिससे इसके विस्तार में तेजी आ रही है।
डार्क एनर्जी एक चीज है, हम नहीं जानते कि वो क्या चीज है, लेकिन ब्रह्मांड में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा अगर डार्क एनर्जी हमारे स्पेस टाइम यूनिवर्स के विस्तार को तेज करती रहे? डार्क एनर्जी की मौजूदगी के कारण ये बहुत बहुत तेजी से विस्तार करेगा, जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक बहुत अकेला स्थान बनने वाला है। सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही है, यूनिवर्स की रोशनी मध्यम हो रही है और वो ठंडी हो रही है। सब कुछ अंधेरे में समा जाएगा और इस वक्त हमारे भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए वो सबसे बड़ी वजह है। हमारा स्पेस टाइम यूनिवर्स अंत में फ्रीज हो जाएगा। वो बिग फ्रीज भी एक तरह से हमारे यूनिवर्स का एंड गेम है। ये बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही निराशाजनक, पर हम सब लकी हैं क्योंकि जब तक ये होगा तब तक हम इस धरती से जा चुके होंगे। अब से खरबों साल बाद ब्रह्मांड एक बड़े फ्रीज में समाप्त हो सकता है। लेकिन 2017 की एक स्टडी और भी भयानक संभावना की ओर इशारा करती है। डार्क एनर्जी की ताकत बढ़ती जा रही है। हमारे यूनिवर्स के अंत का एक भयानक सिनेरियो ये हो सकता है कि डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को खत्म कर दे। वो ब्लैक होल्स को खत्म करने के काबिल भी है। वो चीज जो सबको एक साथ बांधे रखती है वो खत्म हो जाएगी। इसे खा रहा है बिग रिप। पहले क्लस्टर्स, फिर हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज नष्ट हो जाएगी, फिर हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा और यूनिवर्स के आखिरी आधे घंटे में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। आखिरी सेकंड में एटम्स नष्ट हो जाएंगे। अंतरिक्ष के विस्तार से ब्रह्मांड में सब कुछ टूट कर आखिरकार बिखर जाएगा। हम डार्क एनर्जी को नहीं जानते, क्या यह स्थिर है, क्या यह ताकतवर हो रही है, क्या यह कमजोर हो रही है, इस वक्त हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमारे स्पेस टाइम यूनिवर्स के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। क्या वो बिग रिप में खत्म हो जाएगा या बिग फ्रीज में, या ये अंत बस एक शुरुआत होगा? स्पेस टाइम ने हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया और उसकी मौत भी यही तय करेगा। अब हम जान रहे हैं कि ये दो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, पर इससे बिग बैंग की हमारी समझ में कमी भी सामने आई है। अब हम जो भी कुछ देख सकते हैं, सारा मैटर, सारी एनर्जी, हमारी यूनिवर्स में कभी एक एटम से भी छोटे पॉइंट में मौजूद थी। इस छोटे और बेहद डेंस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटीज को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रिडिक्ट किया जाता है, लेकिन यूनिवर्स पर कुछ और नियम भी लागू होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स सब एटॉमिक रियल्म की हमारी समझ है, कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स, फील्ड और फोर्सेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कुछ भी इनफाइनाइटली छोटा या डेंस नहीं हो सकता है, तो सिंगुलैरिटीज नहीं हो सकती। इसका मतलब जो दो थ्योरीज हमारे अस्तित्व को समझाती है वो एक दूसरे के खिलाफ है। क्वांटम और जनरल रिलेटिविटी का नजरिया एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है, दोनों ही डिटेल्स की बात पर हमेशा अड़ी रहती हैं और दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं और यही फिजिक्स के लिए पिछले 100 सालों से प्रॉब्लम बनी हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि डेंसिटी इनफिनाइट हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनफिनाइट हो जाती हैं, चीजें तहस नहस हो जाती हैं और इक्वेशन वहां पर काम नहीं करती। सिंगुलैरिटी नहीं है तो मतलब बिग बैंग भी नहीं हुआ होगा, तो हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में कैसे आया?
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी और करियर का आखिरी वक्त उस थ्योरी को ढूंढने में बिताया जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाकर एक जवाब दे सके। उसे फिजिक्स की सबसे पवित्र चीज माना जाता है। वैज्ञानिकों को शायद अब एक जवाब मिल गया है, एक सल्यूशन जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के लिए काम करता है। क्वांटम स्पेस टाइम। क्वांटम स्पेस टाइम की इस कामयाब थ्योरी से हम ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्स के शुरुआती पलों में आखिर क्या हुआ था। उम्मीद है क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में कोई भी सिंगुलैरिटीज नहीं होंगे, उसमें बिग बैंग की जगह कुछ और होगा। अगर हम सिर्फ ये जानते थे कि वो क्या था तो हम ये जान सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे और क्यों शुरू हुआ। क्वांटम स्पेस टाइम बिग बैंग में कोई सिंगुलैरिटी नहीं हुई थी। ब्रह्मांड किसी दूसरे मरने वाले ब्रह्मांड के अवशेषों से बना। ये संभव है कि बिग बैंग से पहले भी ब्रह्मांड था, स्पेस और टाइम था, लेकिन विस्तार करने के बजाय ब्रह्मांड सिकुड़ रहा था। शायद ब्रह्मांडों का अंत रिप्स या फ्रीज में नहीं होता है, शायद वो ढह जाते हैं और प्राचीन ब्रह्मांड का विस्तार होता है, लेकिन फिर अपने ही गुरुत्वाकर्षण से वो ढहना शुरू हो जाता है, स्पेस टाइम को बहुत कम कर देता है। लेकिन एक सिंगुलैरिटी बनाने की जगह स्पेस टाइम फिर से फट जाता है। जब मैटर और डेंस होने लगेगा, जब वो और दबने लगेगा, तब ये फोर्स वापस से हर चीज को बाहर पुश करेगा। तब हमारा ब्रह्मांड बाउंस होगा, विस्तार का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, एक नया बिग बैंग होगा। जिसे हम बिग बैंग मानते हैं वो उस बाउंस के बाद हुआ। इससे पता चलता है कि आज हमारे जीवन को निर्धारित करने वाला स्पेस टाइम एक पुराने ब्रह्मांड के ढहने से बना है और हम बाउंस होते हुए स्पेस टाइम यूनिवर्स के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत अंतरिक्ष समय चक्र में रहते हैं। अगर हम एक बाउंसिंग यूनिवर्स में हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स इनफिनिटली पुराना हो, वो इनफिनिट बाउंसेस से गुजरा हो और इसकी कोई शुरुआत ही नहीं हो। हम मुश्किल से स्पेस टाइम को समझते हैं, शायद हम इसे पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि स्पेस टाइम के बिना हम यहाँ नहीं होते। स्पेस टाइम कुछ ऐसा है जो बिल्कुल असली है, ये वास्तव में हमारी रियलिटी का एक हिस्सा है और हम सब इसी से बने हैं। हमारे ब्रह्मांड के अंत को समझने के लिए सिर्फ टेलीस्कोप से देखना काफी नहीं होगा, हमें स्पेस टाइम के बेसिक नेचर को भी समझना होगा। मुझे लगता है इससे एक ही बात समझ आती है कि हमारा यूनिवर्स अजीब है। कई लोगों को लगता है कि हम नशा करके ये सारी बातें बनाकर उन्हें लिख डालते हैं, जबकि सच ये है कि ये पागलपन एक हकीकत है। हमने जितना सोचा था यूनिवर्स उससे कहीं ज्यादा अजीब है। आप अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल यूनिवर्स में जी रहे हैं जिसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता।